students, how are you? Hope you all are good. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School. Today we are going to learn in standard 11 unit 2 read one orthopack technology. So for first we can understand the topic. Okay, the topic is orthopack technology. ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक और फैब यानी फैब्रिकेशन. ऑटोमेटिक एंड फैब्रिकेट, फैब्रिकेट से फैब्रिकेशन. तो उसका मतलब क्या होता है? ऑटो फैब का मतलब होता है स्वयं संचालित, ऑटोमेटिक यानी स्वयं संचालित, और फैब्रिकेट अथवा फैब्रिकेशन का मतलब होता है निर्माण, स्वयं संचालित निर्माण की बात होगी. ओके, टेक्नोलॉजी आपको पता है तकनीकी. ओके, टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? स्वयं निर्माण की हुई तकनीकी. ये हमारा इस लेसन का टॉपिक है. तो फर्स्ट वी विल सी ग्रोसरी. चलो पहले ग्रोसरी देख लेते हैं. फैब्रिकेट का मतलब होता है निर्माण. सेकेंड वर्ड है ऑटोमेटेड, स्वयं संचालित. प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया. डायमेंशनल यानी कि परिमाणित. रिलायबिलिटी, टिकाऊपन. सॉलिडिफिकेशन यानी कि घनीकरण. पॉलीमर्स कृत्रिम, रेशा. मैनिपुलेट यानी कि बदलना, चेंज. प्रॉपर्टीज गुणधर्म. को कंस्ट्रक्टर यानी कि सह संयोजक. ओके, अब आप सभी लोग अपने टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, हम इसका ट्रांजिशन देखते हैं. ऑटो फैब टेक्नोलॉजी. इमेजिन योरसेल्फ इन अ कार शोरूम. अपने आप को ऐसा इमेजिन करो, ऐसी कल्पना करो कि आप एक कार के शोरूम में हैं. यू आर नॉट हैप्पी विथ एनी मॉडल्स ऑफ द कार इन द शोरूम. तो शोरूम में आप कार के लिए गए हो, कार खरीदने के लिए गए हो, लेकिन शोरूम में आपको कोई भी कार का मॉडल पसंद ही नहीं आता है. नाउ यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एंड क्रिएट योर ड्रीम कार ऑन द स्क्रीन. तो अब आप क्या करते हो, कंप्यूटर पर खुद ही काम करते हो, यानी कि खुद ही कंप्यूटर में अपने आप ही जिस प्रकार की आपको कार चाहिए उस प्रकार की अपने सपने की कार स्क्रीन पर बना दे कंप्यूटर के अंदर. एंड मैजिक और जादू होता है. नेक्स्ट वीक यू गेट डिलीवरी ऑफ अ कार फैब्रिकेटेड एग्जैक्टली लाइक योर डिजाइन. तो मैजिक क्या हो जाता है, जादू क्या होता है कि अगले ही सप्ताह, उसके नेक्स्ट सप्ताह में ही, अगले ही सप्ताह के बाद के सप्ताह में आपको बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी आपने कार कंप्यूटर पे डिजाइन की थी, बिल्कुल सेम वही कार की डिलीवरी आपको प्राप्त होती है. सच मैजिक इज पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन. तो इस प्रकार का जादू पॉसिबल है, संभव है, इसके द्वारा जो ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन की जो ये जो प्रक्रिया है, जो तकनीकी है, उसके द्वारा ये जो जादू है वो संभव हो सकता है. ओके, क्या इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा? इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि अपने आप को अगर हम कार के शोरूम में कार लेने जाते हो, लेकिन लेने जाते हैं, लेकिन हमको हमारे पसंद की कार अगर नहीं मिलती है, तो हम जैसा चाहते हैं उस प्रकार की कार हम कंप्यूटर पे बनाते हैं कि इसका भी इस प्रकार से फीचर्स होना चाहिए, ऐसा इस प्रकार से दिखना चाहिए, कलर होना चाहिए, डिजाइन वगैरह होनी चाहिए, उस प्रकार से आपने उसको बनाया. और फिर जो कार जो निर्माण करते हैं, जो बनाते हैं, उसको बताते हो कि इस प्रकार की कार मुझे चाहिए, और एक वीक में वो कार बन जाती है और आपको अगले हफ्ते ही उसकी डिलीवरी मिल जाती है, वो कार बन करके आ जाती है. तो इस प्रकार का निर्माण ये ऑटो फैब्रिकेटेड जो टेक्नोलॉजी है, ऑटो फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है, क्योंकि हम स्वयं ही अपने पसंद की चीज़ इस प्रकार से होनी चाहिए, उसको हम कंप्यूटर पे उतार सकते हैं और बिल्कुल वैसा फिर बन करके आ सकता है. ओके, तो इसके आगे हम उसके क्या लाभ है किस प्रकार से वो सब देखेंगे. तो उसके बाद देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ. ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन और ऑटो फैब इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट ऑटोमेट द प्रोसेस फॉर बिल्डिंग थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल. तो जो ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन है, स्वयं संचालित जो निर्माण है, तो ये जो ऑटो फैब है, ये तकनीकियों का क्या है, एक सेट है पूरा. एंड दैट ऑटोमेट द प्रोसेस फॉर थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल. तो क्या करता है,
कच्चे माल में से उसका क्या करते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि जो घन पदार्थ है, कच्चे माल जो घन पदार्थ का जो कच्चा माल है उसमें से थ्री डायमेंशनल यानी कि त्रिपरिमाणिक प्रक्रिया के द्वारा, त्रिपरिमाणिक प्रक्रिया की जाती है। दिस इंडस्ट्री यूजेस सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पाउडर्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स गाइडेड बाय डिजाइन ड्रॉन एंड ऑर्डिनरी कंप्यूटर। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो संस्था है वो किस प्रकार से काम करती है, यानी ऑटोफैब के द्वारा जो भी संस्था स्थापित हुई, यानी ऑटोफैब की तकनीकी जहाँ उपयोग की जाती है तो उसमें काम किस प्रकार से होता है। तो ये जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, किसका पॉलीमर्स यानी जो कृत्रिम रेशे हैं, पाउडर है और दूसरे जो कच्चे मटेरियल है यानी जो बेकार की चीज़ें हैं जो काम की नहीं है। तो अगर सामान्य कंप्यूटर में भी उसकी डिज़ाइन अगर तैयार की जाती है, डिज़ाइन बनाई जाती है तो उस डिज़ाइन का वगैरह का जो घनीकरण करके उसके लिए क्या क्या तैयार किया जाता है, घनीकरण करके उसको कंप्यूटर स्क्रीन में प्रिपेयर किया जाता है कि ये चीज़ किस प्रकार से बनेगी। Now it will be possible for human beings to acquire power to manipulate the properties of matter. Okay, तो अब क्या पॉसिबल हो जाएगा हम ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के लिए, कि जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, ओके, तो उसकी गुणवत्ता गुणधर्म को बढ़ाया जा पाएगा, ओके, और उसकी जो पावर है यानी सारे पावर का उपयोग करके किस प्रकार से हमारी सारी थिंकिंग उसके अंदर लगा करके, सारी चीजें वगैरह उसमें लगा करके उसके गुणधर्म को बना करके एक नई बेस्ट चीज को उत्पादित किया जा सकता है। ऑटोफैब इज नाउ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरर टू सेटिस्फाई द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर। तो ऑटोफैब जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा क्या होगा, अब ये इस प्रकार का तब उत्पन्न करेगा, इस प्रकार का मौका देगा कि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो अद्भुत डिमांड है, ओके, जो उनकी इच्छा है कि मैं इस प्रकार से होना चाहिए, तो वो सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकेगा। इनवाइटिंग द कस्टमर्स इनटू द डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट प्रोसेस विल लीड टू अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें किस प्रोसेस में क्या, जो कस्टमर है उनको इन्वाइट किया जाता है, यानी कस्टमर को बोला जाता है कि आपको किस प्रकार की जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज है वो किस प्रकार की चाहिए। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो प्रोसेस है यानी कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो जाएगी, लीड अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट डिसाइड भी नहीं किया होगा, पता भी नहीं होगा, उस प्रकार का भी नया प्रोडक्ट हमारे सामने होकर के आएगा। ओके, अब इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई भी चीज अगर बनता है, प्रोडक्शन किसी भी चीज का होता है, कार का हो, बाइक का हो या किसी भी चीज का, ओके, तो वहां पे कुछ लिमिटेड वर्कर्स होंगे, कुछ डिजाइन बनाने वाले होंगे, जो भी जितने पर्सन रखे हुए होंगे वो उसके डिजाइन को बनाएंगे, ओके, तो इसमें क्या मटेरियल यूज होगा उसको बताने वाले होंगे, तो एक लिमिटेड स्टॉक है ना, एक लिमिटेड संख्या है कितने लोग ये बनाएंगे, तो उनके माइंड में कितना डिजाइन आ पाएगा तो कितना आ पाएगा। लेकिन अगर खुद ही हर इंसान अपने मन से चाहे वैसा हर चीज अपने आप को बता सके, प्रस्तुत कर सके कि डिजाइन ऐसी होनी चाहिए, तो हमारे पास उसके ऑप्शन बढ़ जाएंगे। जब ऑप्शन बढ़ जाएगा तो जो सोचा भी नहीं होगा, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, तो थिंकिंग वाइज क्या होगा, जो भी इंसान को जिस प्रकार चाहिएगा वो अपनी थिंकिंग वहाँ पर बताएगा कि इस प्रकार से होना चाहिए, कंप्यूटर पर उसकी डिजाइन प्रिपेयर की जाएगी, किसी भी तरीके से उसकी डिजाइन आएगी सामने, फिर उस प्रकार की चीज को बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो सोचा भी ना हो उस प्रकार का प्रोडक्ट भी बाजार में अवेलेबल हो जाएगा। इन ऑटोफैब द कस्टमर इज को कंस्ट्रक्टर। तो ऑटोफैब टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जो कस्टमर होगा वो क्या होगा, सह संयोजक होगा, को कंस्ट्रक्टर यानी कि सह संयोजक, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें कस्टमर का भी क्या होगा, हिस्सा होगा, कस्टमर का भी उसमें योगदान होगा। नाउ प्रोडक्ट लायबिलिटी अथॉरिटीज एंड पेटेंट राइट्स मे बी शेयर्ड विद द कस्टमर्स। तो अब क्या होगा, जो ग्राहक है उसके उससे क्या क्या, जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका टिकाऊपन अच्छा होगा, ओके, यानी लॉन्ग लास्टिंग होगा। अदर रिस्क यानी कि दूसरे जो भी रिस्क होंगे उससे जो भी नुकसान वगैरह होना होगा या फिर जो भी हानि होगी, एंड पेटेंट राइट्स यानी कि जैसे कि अगर ग्राहक में कस्टमर है जो उसने अपनी डिजाइन बनाई है, ओके, उससे कुछ
के लिए बनाई है ना, लेकिन अगर किसी और को बिल्कुल वैसी ही डिजाइन उसको भी खुद के लिए बनवाना है तो क्या होगा, उसको उसके लिए कुछ भाग देना पड़ेगा कुछ, तभी तो उसकी कॉपीराइट खरीद पाएगा। उसकी कॉपीराइट खरीदने के लिए उसको उसके लिए भुगतान के रूप में कुछ ना कुछ देना होगा। तो इससे क्या होगा, एक तो हानि भी और लाभ भी, मतलब सारी चीजें जो कस्टमर है उससे बांटनी चाहिए। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन विल हैव अ ड्रामेटिक इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। तो जो ऑटो फैब टेक्नोलॉजी है इससे, ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन से हमारी सोसाइटी पर, हमारे समाज पर बहुत ही बेजोड़ असर पड़ेगा। तो इसमें इसके लाभ क्या है, कुछ टोटल कुछ स्कोर लाभ दिए हैं, उसके अलावा आगे और भी दिया हुआ है। स्कोर के अंदर ही बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। द ऑटोमेटेड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंड असेंबली विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑटोमेटेड जो मेथड है इसमें क्या होगा, इंस्पेक्शन जो होता है इसका जो निरीक्षण होगा बहुत ही सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण होगा। एंड असेंबली विल इम्प्रूव द क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें जो ड्यूरेबिलिटी है यानी कि प्रोडक्ट कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, कितना चलेगा, ओके, क्वालिटी वगैरह सब कुछ, इसके क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों का ही, कि किस प्रकार दोनों को ही मिलाया जाएगा व्यवस्थित तरीके से, इसकी इस प्रकार से इसको सेट किया जाएगा कि इसको ड्यूरेबिलिटी यानी लॉन्ग लास्टिंग भी हो और गुणवत्ता भी बहुत ही ज्यादा पहले से बेटर हो। ओके, वन इफेक्ट इज दैट कार्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा विल लास्ट मच लॉन्गर देन अर्लियर मॉडल। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, अभी हम देखते हैं कोई भी अगर मटेरियल अभी फिलहाल यूज करते हैं कोई भी चीज, ओके, कोई भी एनी अदर चीज, जो फैन हो गई, जो टीवी वगैरह, जो भी आप अगर यूज करते हो, या फिर अगर कहा जाता है कि पहले की चीजों से अभी की जो चीजें हैं वो कैसी होती है, उसका मटेरियल बहुत ही लो होता जा रहा है। पहले की चीजें बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज्यादा मतलब चलती थी, जल्दी टूटती नहीं थी, जल्दी खराब नहीं होती, लेकिन अभी की जैसे जैसे आगे हम चीजें देखते हैं उसकी मटेरियल कैसा होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। ओके, तो उससे हमें क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। लेकिन अगर ऑटोफैब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इसका अगर यूज होगा, तो उससे इफेक्ट से क्या होगा, जो कार है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, तो ये कैसे होंगे, जो पहले के जो चलते थे चीजें उनसे भी ज्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, यानी ज्यादा टाइम समय तक चलेंगे। देयरफॉर देयर विल बी डिक्लाइन इन नीड फॉर रिप्लेसमेंट। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो इसका रिप्लेसमेंट यानी बार बार बदलने की जो चिंतित होती थी उससे क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगी, यानी कि जो रिप्लेसमेंट की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। बार बार जब लॉन्ग लास्टिंग अगर चीजें अच्छी चलेगी तो कोई क्यों चेंज करेगा। ओके, तो इसके अंदर ये फायदा है। फिलहाल अभी हम यहाँ तक रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, ग्रेजुएशन आप लोगों को दूसरी लिख लेनी है, तो मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन बताया है, वो ट्रांसलेशन भी आप लोगों को नोटबुक में लिख लेना है। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।